ये वीडियो मैं 15 दिन पहले डालने वाला था। खैर, लेट्स टॉक अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आता है एक लैटिन वर्ड प्रोक्रेस्टिनियर से, जिसमें प्रो यानी फॉरवर्ड और क्रेस्टिनेशन यानी टुमोरो, यानी किसी भी काम को कल पर टालना। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी ऐसी ही कुछ बड़ी भाषा है कि टू कीप डिलेइंग समथिंग दैट मस्ट बी डन। पर ये अपनी लिटरल मीनिंग से थोड़ा व्यापक और विस्तृत विषय है, जैसे एक्चुअल वर्क की बजाय कुछ दूसरा काम करना भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, भले ही वो दूसरा काम कितना ही वैल्यूबल हो। काम शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार भी प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेकिन मैं तो अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन है। या मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में कर लूंगा, या मैं तो मल्टीटास्क करूँ, पढ़ाई के साथ इंस्टा भी देख लेता हूँ, ये सब कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। इसे और गहराई से समझने के लिए इसके दो टाइप भी समझ लेते हैं, पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन और एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन में हम कम्प्लीटली किसी टास्क को अवॉइड करते हैं, या तो वो काम हमें बोरिंग लगता है या उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जबकि एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन में हम जानबूझकर किसी टास्क को डिले करते हैं, ताकि डेडलाइन के पास जो प्रेशर रहेगा उसे हम एज ए मोटिवेशन यूज कर सके। जैसे एग्जाम के कुछ दिन पहले कैसे हम जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लेते हैं, और एक्चुअली ऐसा होता भी है। 2012 की एक स्टडी में जब एक सेम टाइम पीरियड के लिए एक्टिव और पेशिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, तो एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अब भले ही ये थोड़ा हेल्पफुल है, परंतु होता ये भी एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। अब हम समझ गए कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, तो इसके पीछे के कारणों को भी समझ लेते हैं। तो अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन को हम प्रोडक्टिविटी से जुड़ी एक समस्या समझते हैं, पर साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर डॉक्टर टिम के अकॉर्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ह्यूमन साइकोलॉजी और एवोल्यूशन से जुड़ी एक प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि एज अ ह्यूमन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम सेफ रहे, इसलिए हमारे दिमाग का ध्यान वर्तमान की समस्याओं में ज्यादा होता है, न कि भविष्य के बारे में सोचने और उनका हल खोजने में। तो भले ही आप अपने बिजनेस, करियर या स्टडी को लेकर पैशनेट है, लेकिन उनसे जुड़े कामों में अगर हम इनसिक्योर, फियर या कोई भी नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा एमिगडला, जो थ्रेट डिटेक्टर की तरह काम करता है, उस काम या टास्क को जेन्युइन थ्रेट मानकर उसे रोकने के लिए हमें फोर्स करता है। हालांकि डीप डाउन हमें पता है कि फ्यूचर में टेंशन और स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट करेगा, फिर भी हमारा दिमाग अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व करेगा। इसलिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन काफी यूनिक प्रॉब्लम है, जहां हमें पता है कि ये काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम उस काम को डिले करते हैं। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक सेल्फ इम्पोज्ड, यानी बिना किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस के हमारे खुद का डिसीजन होता है, और एक सेल्फ हैंडीकैपिंग बिहेवियर होता है, यानी हम फेलियर या क्रिटिसिज्म या किसी और डर से खुद ही ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ये फियर से भी जुड़ा होता है, इसलिए तो कई बार अपने गोल और काम को लेकर सीरियस परफेक्टनिस्ट भी इस समस्या से गुजरते हैं। जैसे रिया को ही ले लो, जो बीकॉम थर्ड ईयर की एक होनहार छात्रा है, और वो अपने असाइनमेंट को लेकर काफी सीरियस है, क्योंकि उसे अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर चाहिए, जबकि मेरे दो दोस्तों के नंबरों का कुल योग भी 100 नहीं होगा, और 100 में से 99 भी नहीं आने चाहिए, वरना वह खुद को फेलियर समझेगी। अरे पगली, मेरे दोस्त फेल होने पर भी खुद को फेलियर नहीं समझते। इसलिए असाइनमेंट के ये 10 नंबर उसके लिए काफी मायने रखते हैं, और इसी डर में वो असाइनमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाती है। या रिया के केस में प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन लेजी होना नहीं है, बल्कि उसके परफेक्ट ना होने का डर है। उसके इस डर का नतीजा काफी बुरा होगा, जैसे प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाना, या बीच में गिव अप कर देना, या कम क्वालिटी वाला आउटकम आना। और ये मेरा अनुमान नहीं है, विशेषज्ञ भी यही कहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हाई प्रोक्रेस्टिनेशन गोल अचीवमेंट पर बुरा असर डालता है। पर रिया फिक्र मत करो, स्टीव जॉब की भी यही समस्या थी। इवन स्टीव कई बार बिना फर्नीचर के घरों में रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता था। एप्पल के हर प्रोजेक्ट पर वो हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते थे, इवन जो इससे सिर्फ बनाने वाले को या मैकेनिक को दिखेंगे उन पर भी। खैर, अब थोड़ा इसके सोल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। अब रिया के केस वालों के साथ सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा कि हम रियलिस्टिक गोल रखें। हाँ, बड़े गोल और सपने काफी जरूरी है, पर वो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। अब एक और सोल्यूशन जो लोगों के दिमाग में आता है कि हम सारे डिस्ट्रेक्शन ही हटा दें, बट इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया। मैंने खुद ही ट्राई किया है, मैं इंस्टा या स्नैपचैट नहीं चलाता, टीवी नहीं देखता, कोई OTT सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर भी चीजों को डिले करता हूँ, क्योंकि एक तो डिस्ट्रेक्शन कई सारे हैं, और दूसरा हम हर डिस्ट्रेक्शन को हटा नहीं सकते। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज अबाउट इमोशन नॉट प्रोडक्टिविटी, इसलिए हमारा सोल्यूशन इमोशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, न कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह से। ऐसे में सॉल्विंग द प्रोक्रेस्टिनेशन पजल के ऑथर टिम पाइचल के अकॉर्डिंग ऐसे 7 ट्रिगर्स होते हैं जो किसी भी टास्क को अनफेवरेबल बनाते हैं। अब हमें इन्हीं ट्रिगर्स को रिवर्स करना है।
बोरिंग को इंटरेस्टिंग बना के, डिफिकल्ट को ईजी बना के। जैसे मुझे वीडियो में जो राइटिंग वाला पार्ट है वो कम इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे में मैं कलरफुल और अच्छे पेन यूज कर सकता हूँ ताकि बोर ना हूँ, या एक ही सिटिंग में सारी राइटिंग ना करके बीच में ब्रेक्स ले सकता हूँ ताकि फ्रस्ट्रेटेड ना हूँ। सेकंड सोल्यूशन है कि किसी भी तरह जल्दी काम चालू कर दो, क्योंकि ये थोड़ा आसान है कि जब हम एक बार काम शुरू कर दे तो हम कैसे भी करके उसे पूरा करेंगे, और ये होता है ज़िगार्निक इफेक्ट के कारण। तो हमारा ब्रेन कंप्लीटेड टास्क की तुलना में अनफिनिश्ड टास्क को ज्यादा अच्छे से याद रखता है, इसलिए एक बार हमने किसी काम को चालू कर दिया तो हमारा ब्रेन हमें बार बार याद दिलाएगा जब तक कि वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए, इसलिए कैसे भी करके एक बार काम चालू कर दो। अब इन सब सॉल्यूशन में हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने की बात की, लेकिन इसके होने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हेल्पफुल है, जैसे खुद को माफ करना। 2010 की एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट एक एग्जाम में प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद खुद को माफ कर देते हैं, अगले एग्जाम में वो कम डिले करते हैं। और वैसे भी द प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन के ऑथर पियर स्टिल के अकॉर्डिंग 95% लोगों ने एडमिट किया कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो 5% झूठ बोल रहे हैं। खैर, खुद को माफ करना लोगों को अपने पास से मूव ऑन करके फ्यूचर में फोकस करवाता। सेकंड है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद को अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस के साथ ट्रीट करना। तो 2012 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन का लिंक सेल्फ कंपैशन से होता है। इसका मतलब सेल्फ कंपैशन पर पॉजिटिव चेंज का इफेक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन पर भी होगा, और खुद को अच्छे से समझकर समझाना कई जगह हेल्प करता है। इनफैक्ट स्टडीज में भी पाया गया है कि सेल्फ कंपैशन मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। पर कहने से करना काफी मुश्किल है। सच कहूँ तो मैंने ये सब कर लिया है, पर अभी भी मैं कामों को डिले करता हूँ। ये 6वां दिन है और सिर्फ स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा इस काम को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्या होता है, मैं 2-3 दिन अच्छे से काम करता हूँ, फिर वही बैक टू रूटीन। और ऐसा नहीं है कि ये सारे सोल्यूशन मदद नहीं किए, दे आर रियली हेल्पफुल, स्पेशली खुद को अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस के साथ ट्रीट करना। पर सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मिली है विल पावर से, 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में। सेकेंड हैबिट है बिगेन विद द एंड इन द माइंड, और ये एंड गोल के बारे में सोचना काफी हेल्प करता है। आई होप मैं आगे और इस प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या से जुड़े सोल्यूशन लेकर आऊँ, पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।